हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी ग्रामर के टॉपिक पद परिचय पर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि पद परिचय आखिर है क्या, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। हिंदी में किसी भी वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द को हम पद कहते हैं। सार्थक शब्द यानी जिसका कोई सार निकलता हो, किसी सेंटेंस में ऐसा जो शब्द होता है वो पद कहलाता है, एवं उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहा जाता है। इसे हम पद परिचय भी कहते हैं, पद भंजन भी कहते हैं, पद व्याख्या भी कहते हैं और पदान्वय भी कहते हैं। वापस समझ लें आप, हिंदी में किसी भी वाक्य में जो सार्थक शब्द होते हैं उन शब्दों को हम पद कहते हैं और उन पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। व्याकरण की दृष्टि से उसका परिचय देना, वो पद, वो शब्द संज्ञा है तो कौन सी है, सर्वनाम है तो कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, विशेषण है, कारक कौन सा है, ये सारी जानकारी किसी वाक्य में किसी एक पद के बारे में देना पद परिचय कहलाता है। एक उदाहरण लेते हैं इसे समझने के लिए। मैंने एक वाक्य लिखा है, सम्राट समुद्रगुप्त ने अनेक प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इसमें मान लीजिए आपको पद परिचय करना है, एक तो सम्राट पद का यानी सम्राट शब्द का, एक समुद्रगुप्त का पद परिचय करना है, एक अपने शब्द का पद परिचय करना है, एक राज्य में का पद परिचय करना है और मिला लिया का पद परिचय करना है। आपको एग्जाम में अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो कोई वाक्य दिया हुआ आएगा और उस वाक्य में कोई एक या दो शब्दों का पद परिचय पूछा जाएगा। इस वाक्य में सबसे पहले हम ये जो शब्द है सम्राट, इसका पद परिचय कर रहे हैं, यानी इस सम्राट शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय दे रहे हैं कि ये सम्राट शब्द इस वाक्य में आखिर क्या है, ये पद परिचय है। तो सम्राट शब्द सबसे पहले तो ये संज्ञा है, संज्ञा कौन सी है वो लिखना अपने को। सम्राट जातिवाचक संज्ञा है, वचन एक वचन है, ये शब्द पुल्लिंग है और ये शब्द संज्ञा है लेकिन इस वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो ये भी हमने इसका परिचय दे दिया। तो ये इस एक शब्द का, एक पद का पद परिचय हो गया। दूसरा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त एक राजा का नाम है, ये भी संज्ञा है लेकिन पर्टिकुलर नाम है इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और इस वाक्य का कर्ता है तो कर्ता कारक है। और इस वाक्य में मिला लिया जो क्रिया है उसका कर्ता है, ये भी हमने लिख दिया। ये इस समुद्रगुप्त पद का पद परिचय हो गया। फिर अगला जो पद है जिसका हमें पद परिचय देना है, अपने, अपने शब्द एक सर्वनाम है लेकिन इस वाक्य में अपने राज्य यानी इस राज्य की विशेषता बता रहा है, तो ये अपने शब्द यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया है, एक वचन है, पुल्लिंग है और संबंध कारक है। अगला जो पद है जिसका हमें पद परिचय करना है, राज्य में, राज्य में जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, में जो चिन्ह आ रहा है वो अधिकरण कारक में आता है तो अधिकरण कारक है। फिर अगला जो
शब्द है जिसका हमें पद परिचय करना है, मिला लिया। मिला लिया शब्द संज्ञा नहीं है तो हमने लिखा नहीं, सर्वनाम नहीं है, विशेषण नहीं है, नहीं लिखा। ये क्रिया है, क्रिया भी कौन सी है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म के साथ जीत कर मिला लिया, अपने राज्य में मिला लिया, तो सकर्मक क्रिया है। भूतकाल में ये शब्द आ रहा है, एक वचन का शब्द है, पुरलिंग है, और इस मिला लिया शब्द का जो कर्ता है वो समुद्रगुप्त है, और इसका कर्म है प्रदेश को। तो दोस्तों इस प्रकार ये इन शब्दों का, इन पदों का पद परिचय हुआ। तो विशेष रूप से क्लास 9th to 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ग्रामर का टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आप और भी इस तरह कई एग्जांपल्स लेकर के, अलग अलग वाक्य लेकर के आप उनका पद परिचय करें, सीखें, ताकि परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। साथ ही आपके जो भी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं उनको इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी हिंदी ग्रामर का ये जो टॉपिक है पद परिचय सीखने का अवसर मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।